नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पालघर लिंचिंग केस और अप्रैल में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी कामगारों की भीड़ पर प्रसारित कार्यक्रम में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक 21 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत कार्यक्रम में पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ के हत्या किए जाने पर बहस कराई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सवाल किया था कि क्या हिंदू होना और भगवा पहनना अपराध है और क्या वे गैर हिंदू होते तो लोग ऐसे ही चुप रहते। इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 153 और 153A जो कि दंगे के लिए उकसाने और दो गुटों में धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने के केस दर्ज किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि अर्नब गोस्वामी से एक जमानतदार के साथ एक साल के लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड लिया जा सकता है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करे, क्योंकि उनके बयानों से समाज का सौहार्द बिगड़ने की संभावना है। अर्नब गोस्वामी को वर्ली डिवीजन के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष शुक्रवार को शाम 4 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई में 2 पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी का नाम फर्जी TRP केस में भी शामिल है। इस मामले में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट पड़ताल कर रही है और चैनल से जुड़े 2 लोगों और एक पत्रकार को समन भेजा गया है। केवाईएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।